my story starts with five years ago in 2018 i've got a message from facebook that there's a, a property show in birmingham so we went from dewsbury to birmingham in the morning uh, it was show sure the capital smart city some representatives they from uh, pakistan उन सब से हमारी मुलाकात हुई उन्होंने हमें फ़ीचर्स बताए एक्सप्लेन किए सिक्योरिटी के बारे में हमें एक्सप्लेन किया कि हाउ दे विल मैनेज द सिक्योरिटी बिकॉज द ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए सबसे पहले जो चीज़ होती है जो हम देखते हैं कहीं भी प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए आई वॉज गोइंग टू बाई इन दुबई बिकॉज बिकॉज दे देव वेरी सेफ प्लेस एंड पाकिस्तान में मुझे यही था कि अगर मैंने प्रॉपर्टी खरीदी तो वो कहीं धोखा ना हो जाए और उसके बाद क्या हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड होगी ओवरसीज़ पाकिस्तानी को कि नहीं इन चीज़ों के ऊपर हमारी बात हुई काजी इन्वेस्टमेंट्स वहाँ पे आए हुए थे उन्होंने और कुछ कैप्टल स्मार्ट सिटी के अपने जो है लोग भी थे उन्होंने एक बहुत अच्छी हमें डेमो दिया बताया कि किस तरह इन सब फ़ीचर्स को हम कंबाइन करेंगे आपको स्मार्ट फीचर्स भी मिलेंगे जो आप फ़ील नहीं करेंगे कि आप बाहर रह रहे हैं या आप पाकिस्तान में रह रहे हैं और आपके बच्चे भी जो हैं बहुत सेफ़ भी होंगे हम सिक्योरिटी को भी बहुत ज़्यादा इन्हेंस करेंगे मुझे तो कोई आजकल अभी तक प्रॉब्लम नहीं हुई जो मैं एक्सपेक्ट करी थी कि मैं जाऊंगी तो मैं इतने इश्यूज होंगे छोटे मोटे तो हर जगह होते रहते हैं लेबर के प्लम्बिंग के दे आर माइनस द मेजर थिंग्स जो उन्होंने कवर किए हैं वो किए हैं सिक्योरिटी फैसिलिटीज़ यहाँ पे हमें जो पीस पीस दिया है वहाँ पे और सबसे बड़ा पीस जो मुझे मिला है वो है कि मेरी प्रॉपर्टी सिक्योर है कल को दस साल के बाद बीस साल के बाद कोई मुझे ये नहीं कह सकता कि आपके घर के पांच ऑनर्स हैं ये एक बहुत बड़ी बात है या आपकी प्रॉपर्टी का एन नहीं है या आपकी प्रॉपर्टी अभी तोड़ रहे हैं बिल्डिंग का आपका कुछ नहीं हो रहा जो सबसे बड़ी सिक्योर सिक्योरिटी मुझे चाहिए वो यही है कि मेरी प्रॉपर्टी सिक्योर है मुझे उसके ऊपर जो है पता है कि ये मेरे अपने नाम की है यहाँ पे कोई और इश्यूज़ नहीं हो सकते कोई माफिया जो है यहाँ पे नहीं आ सकता और सीओ तो है ही पास हैं अगर वो डरते और उन्हें पता होता कि वो इस चीज़ को नहीं वो गलती है इस चीज़ के अंदर वो कभी भी आकर लोकल रेजिडेंस ना बनते आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर I'm a network manager of University of Leeds and co-op academies in Leeds. I um have four primaries and one secondary school manage team, and I'm a cloud manager as well. So वहाँ की टेक्नोलॉजी uh, को मैं कंपेयर कर रही हूँ यहाँ की टेक्नोलॉजी के साथ बड़ी सारी मैनेजमेंट टीम है वो सब बहुत अच्छे हैं बहुत कोऑपरेटिव हैं मुझे लेबर हेल्प के लिए मिलती है मेरे कुछ इश्यूज़ हुए मैंने उनको कंप्लेंट्स की एंड यू विल नेवर बिलीव डेट विद इन अ मिनट विद इन फ्यू मिनट्स नॉट अ मिनट विद इन फ्यू मिनट्स द प्लम्बर वॉस हियर बिकॉज वन डे देर वॉज अ लीकेज ऑफ गैस लीकेज एंड आई कैन स्मेल इन माई हाउस आई गॉट स्कैड के कुछ ब्लास्ट ना हो जाए कुछ जो हो ना जाए बड्डे बस आउटसाइडर वो सिलेंडर गैस सिलेंडर था उसमें से पाइप में से कुछ लीकेज uh, हो रही थी लेकिन मैंने कंप्लेन ऑफिस में फ़ोन किया उन्होंने विद इन मिनट्स वो प्लम्बर आया उसने उनका जो रेगुलेटर था वो चेंज किया एंड एक्सेलेंट फैसिलिटी माशा द अदर थिंग वॉज द स्मार्ट फीचर डेट आई एन्जॉयट अलॉट इज़ द स्मार्ट टैक्सी विद इन मिनट taxi was outside she was waiting for me she took me to the shopping and she the, the, the person who took me he waited outside as well so that's a very big thing i want to make this the same level as we enjoy in uk and alhamdulillah is going up uh, the internet speed is really good

तो यहाँ पे फैसिलिटीज प्रोवाइड की हैं यहाँ पे पोलो भी हो रही है यहाँ पे डिफरेंट क्रिकेट ग्राउंड भी मैंने देखा है फुटबॉल ग्राउंड भी है और हमें शॉपिंग मुझे जब से आई हूँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है प्लाजा पास है उसके अंदर हर बेसिक फ़ीचर्स जो हमें बेसिक चीज़ें चाहिए वो मिल जाती हैं दूसरी जो शॉपिंग है इंशाल्लाह वो भी सेंटर्स यहाँ पे आ जाएंगे सिक्योरिटी का बड़ा अच्छा है मैंने कई दफ़ा पेट्रोलिंग देखी है आई रियली वॉन्ट टू दैट आई एम प्राउड डेट आई एम लिविंग इन अ वेरी सिक्योर प्रॉपर्टी अगर सी की बात करें तो वो एक बड़े हाई क्लास में रहना पसंद करते हैं और अगर उन्होंने इतना पैसा लगाया है और वो यहाँ पे आ रहे हैं तो इसका क्या मतलब है कि वाकई कि उन्होंने एक अच्छी इन्वेस्टमेंट की है उस इंसान ने कुछ पैसा लगाया है उस इंसान के कुछ इमोशंस होंगे जो उसने यहाँ पे इनपुट किए हैं और अगर वो ख़ुद आ रहा है तो इसका क्या मतलब है कि वो अपने ही लेवल की जो लाइफ और वो जो ख़ुद इंजॉय कर रहे हैं और हम जो अपने एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है जो वहाँ पर लाइफ स्टाइल कर रहे हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो भी इंजॉय कर रहे होंगे वो भी इस चीज़ को उन्हें मद्देनजर रखा होगा वो इसीलिए तो आ रहे होंगे सोसाइटी के अंदर तारीफ के वर्ड्स कम हो रहे हैं मेरे पास जितने मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं कैप्ट स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट इनकी लेबर इनका प्रोफेशनलिज्म सो प्रोफेशनलिज्मबल अमेजिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड एंड आई एम एम वेरी लकी to have a plot, I have a property in कैप्ट स्मार्ट City. My husband, my kids, they are looking forward to come in August time. My house at the moment is like 75% done. And डन mm एंड -hmm. uh, आपको तो पता है कि औरतों की जो डेकोर है वो ज़्यादा टाइम लेती है और इन शाला तल मेरा टारगेट है कि जब मेरे हसबेंड और मेरे बच्चे अगस्त में आए तो वो सब फैसिलिटीज़ फिस, फिस, जो यहाँ पे कैप्ट स्मार्ट सिटी ने दी हुई है हैं हम सबको हम वो अवेल करेंगे मैं बड़ी खुश हूँ मैं टू वीक्स पहले आई हूँ यहाँ पे और कैप्टन स्मार्ट सिटी ने मुझे फ़र्स्ट डे से एयरपोर्ट से पिकअप किया उनकी विथ सिक्योरिटी जो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं अकेली आई हुई थी फैमिली है लेकिन उन्होंने मैं यहाँ पे अपने घर में आना चाहती थी तो एयरपोर्ट से गाड़ी लेकर आई मुझे यहाँ पे रखा मुझे यहाँ पर गेस्ट हाउस मिला मैं वहाँ पे मुझे शेफ़ भी मिला मुझे हर किस्म की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई दे ट्रीटेड मी लाइक अ प्रिंसेस